चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, आरबीएससी 10th क्लास मैथ्स के लिए चैप्टर 7 के 7.1 का पार्ट 4 है, जिसमें दोस्तों हम चोर दिए क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने चैप्टर 7 के 7.1 के 13 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं और 6 चैप्टर भी हमने कंप्लीट किए हैं। तो अगर वो सभी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से आप सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम 14वां क्वेश्चन इसका लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो 14वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, 1 - tan² α / cot² α - 1 = tan² α। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है इसके बराबर ये आना चाहिए। तो जब हम दोस्तों सिद्ध करते हैं तो LHS पक्ष होता है और RHS पक्ष होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, LHS पक्ष लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे LHS लेने पर, तो LHS यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ हमें दिया गया है LHS में 1 - tan² α बटे में यहाँ पर है दोस्तों cot² α और -1। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम tan और cot का मान रखेंगे जो त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - tan को हम लिखते हैं दोस्तों sin/cos, यहाँ पर स्क्वेयर है तो यहाँ हम लिखेंगे sin² α / cos² α। बटे में देखिए यहाँ पर कोट स्क्वेयर है तो इसे हम लिखते हैं cos/sin, तो यहाँ हम लिखेंगे cos² α / sin² α। माइनस यहाँ पर एक है तो एक हम रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बटे में कोई संख्या नहीं है, तो सीधा आप इसका गुणा इससे कराइए और माइनस ये है जैसा का जैसा आ जाएगा। तो यहाँ पर cos² α का गुणा एक से होगा, क्या हो जाएगा cos² α और माइनस यहाँ पर है sin² α, बटे में हो जाएगा cos² α। अब यहाँ पर देखिए बटे में क्या है, इसी प्रकार से इसे हम लिखेंगे sin² α का गुणा एक से होगा तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा cos² α, तो यहाँ हम लिख देंगे cos² α माइनस sin² α और बटे में है sin² α। अब यहाँ पर दोस्तों फ्रैक्शन के बटे में फ्रैक्शन हो तो उसे हम कैसे लिखते हैं, पहली फ्रैक्शन है जैसी की जैसी आएगी और जो दूसरी फ्रैक्शन है उसे हम उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos² α माइनस sin² α बटे में यहाँ पर है cos² α और नीचे वाली फ्रैक्शन को जब हम गुणा में लिखेंगे तो यहाँ पर sin² α ऊपर चला जाएगा और बटे में क्या रह जाएगा, cos² α माइनस sin² α। तो यहाँ पर दोस्तों cos² α माइनस sin² α है और बटे में है cos² α माइनस sin² α, तो इससे ये कट जाएगा, ऊपर बचा है हमारे पास sin² α। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है sin² α और बटे में है यहाँ पर cos² α। साइन बटे कोस होता है दोस्तों टेन, तो स्क्वेयर है तो tan² α हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें यही सिद्ध करना था tan² α, तो ये है दोस्तों RHS। तो यहाँ से दोस्तों LHS बराबर किसके हो रहा है, RHS के, तो ये हमने सिद्ध कर दिया है। इस प्रकार से इसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसका हम लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो 15वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, sin θ / 1 - cos θ / 1 + cos θ / sin θ। तो यहाँ पर भी हमें सिद्ध करना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों LHS बराबर के बाद में हो जाएगा RHS। तो यहाँ हम क्या करेंगे, LHS को लेंगे और उसे सरल करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे LHS लेने पर, तो LHS देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ हमें दिया गया है sin θ / 1 - cos θ। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बराबर हमें क्या सिद्ध करना है, 1 + cos θ / sin θ। तो ये किस प्रकार से आएगा, यहाँ पर दोस्तों इसे हम मान रख के सरल करेंगे तो cosec और sec में मान आएगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर दोस्तों जो हमें LHS दिया गया है इसका अंश और हर का गुणा हम 1 + cos θ से करा दें, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या आएगा दोस्तों, LHS लेने पर इसके बाद में हमें लिखना है अंश व हर को 1 + cos θ से गुणा कराने पर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जब हम गुणा कराएंगे इनका तो यहाँ पर sin θ का गुणा इससे होगा, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, sin θ 1 + cos θ और बटे में देखिए क्या हो जाएगा, 1 - cos θ है, 1 + cos θ है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, a² - b² जो क्या होता है, a - b और a + b, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी का ये रूप है, यहाँ पर a हमारे पास 1 है और b हमारे पास cos θ है। इसे देखिए किस रूप में लिखा गया है, 1 - cos θ 1 + cos θ, यानी कि a - b a + b। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a² - b²
तो ए हमारे पास एक है तो ए का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, माइनस बी हमारे पास कोस थीटा है तो कोस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब इसे हम आगे और सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसका मान होता है, एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर दोस्तों वो सर्वसमिका काम में आएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का हमें मान चाहिए तो कोस स्क्वायर थीटा को हम पक्षांतरण कर देंगे। तो यहाँ पर एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा साइन थीटा, ब्रेकेट में यहाँ पर है एक प्लस कोस थीटा, और यहाँ बटे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर एक साइन थीटा है और इसकी घात दो है तो एक घात कटेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ बचा है एक प्लस कोस थीटा, बटे में रह गया है साइन थीटा। और यही दोस्तों हमें सिद्ध करना था, यही हमारा आर एच एस है। यहाँ पर देखिए एक प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ हमारे पास क्या आया है एक प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो एल एच एस बराबर हो रहा है आर एच एस के, तो ये सिद्ध हो गया है। इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम इसका लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, साइन की घात छह थीटे प्लस कोस की घात छह थीटे बराबर एक माइनस तीन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमें इसके बराबर ये सिद्ध करना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा एल एच एस और ये हो जाएगा आर एच एस। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एल एच एस लेना है, तो यहाँ हम लिखेंगे एल एच एस लेने पर, यहाँ पर देखिए एल एच एस हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमें दिया गया है साइन की घात है छह थीटा प्लस कोस की घात भी हमें छह दी गई है और थीटा है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब हमें घातें इस प्रकार से दी जाती है तो उन घातों को हमें स्क्वायर में बदलना है। तो देखिए घातों को स्क्वायर में हम कैसे बदलेंगे, साइन की घात यहाँ पर हम दो रखें, यहाँ पर दोस्तों इसे हम ब्रेकेट में करके यहाँ पर घात तीन लगा दें, तो घातों का जब गुणा होगा फिर से घात कितनी हो जाएगी छह। तो इसी प्रकार से कोस को हम लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटे, ब्रेकेट के बाहर घात लगा देंगे तीन। यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारे पास क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटे का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटे का क्यूब। तो यहाँ पर दोस्तों एक फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। जो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों इस फॉर्मूले का विस्तारित रूप है ए प्लस बी, और यहाँ ब्रेकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, ये रूप है जो हमें इस प्रकार से दिया गया है तो इसे हम विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, बी हमारे पास क्या है कोस स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर देखिए आगे हमें क्या दिया गया है ए प्लस बी, तो यहाँ हम ब्रेकेट में रख देते हैं ए प्लस बी को, तो ए प्लस बी हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हम करेंगे कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में आ गया है ए स्क्वायर, तो ए हमारे पास है साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन की घात हो जाएगी चार और थीटा प्लस ये यहाँ पर दोस्तों है बी स्क्वायर, और बी हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा कोस की घात चार और थीटा। अब आगे है माइनस ए बी, तो ए हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर बी है कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक हो जाएगा, यहाँ पर हम एक रखेंगे इसका गुणा कराएंगे एक से यही आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन की घात चार थीटा प्लस यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा कोस की घात चार थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर दोस्तों देखिए घात फिर भी यहाँ पर चार रह गई है और हमें क्या करना है घात को दो में बदलना है, तो इसे हम दो के रूप में लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर जो ब्रेकेट है उसका हम स्क्वायर करेंगे तो फिर से घात चार हो जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर थीटा और इसकी घात हम दो कर देंगे तो फिर से चार हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर का स्क्वायर है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसमें एड करें दो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और यही हम इसमें से घटा दें, यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों हमें लिखना है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ने और घटाने पर। तो यहाँ पर देखिए पहले हम जोड़ते हैं तो दो साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा और इसमें से यही हम घटा देंगे दो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर देखिए आगे हमें दिया है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो इसे हम आगे रखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ है दोस्तों ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab जिसका दोस्तों फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए a और b हमारे पास क्या है, a हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, b हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यहाँ पर है 2ab, तो 2 यहाँ पर है
ए हमारे पास साइन स्क्वेयर थीटा है और बी हमारे पास कोस स्क्वेयर थीटा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो फॉर्मूला है इसी के रूप का है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो यहाँ पर दोस्तों इस फॉर्मूला के आधार पर हम यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ तक ये फॉर्मूला है, तो इसका रूप हम लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। ए हमारे पास है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस बी हमारे पास है कोस स्क्वेयर थीटा, और इसका हम स्क्वेयर कर देंगे, इसका रूप हमने लिख दिया। अब यहाँ पर जो बचा हुआ है उसे हम आगे लिख देंगे। यहाँ पर है दोस्तों माइनस दो साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा, इसके आगे है दोस्तों माइनस साइन स्क्वेयर थीटा और कोस स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा एक हो जाएगा, और एक का जब हम स्क्वेयर करेंगे तो एक ही आएगा। तो यहाँ पर हमने दोस्तों एक लिखा, आगे है दोस्तों यहाँ पर माइनस के दो साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा, और एक है माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा। पर दोस्तों दोनों समान पद है तो आपस में जुड़ेंगे, तो दो और एक कितना हो जाएगा तीन, तो यहाँ पर आएगा तीन साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ पर देखिए हमने LHS को सरल किया तो हमारे पास ये आया, और यहाँ हमें सिद्ध यही करना था, एक माइनस तीन साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा, जो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आया हुआ है, तो ये है RHS। तो इस प्रकार से LHS है जो बराबर हो गया है RHS के, तो ये दोस्तों सिद्ध हो गया है। तो इस प्रकार से जब हमें क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसे हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। ये आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम लेते हैं और उसे हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका 17वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, टेन थीटा बटे एक माइनस कोर थीटा प्लस कोर थीटा बटे एक माइनस टेन थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है एक प्लस टेन थीटा प्लस कोर थीटा के। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आप दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर या तो आप टेन और कोट के जो मान है उन्हें साइन कोस में बदल सकते हैं, नहीं तो जो कोट है उसे आप टेन में बदल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए LHS हमारे पास ये है और RHS हमारे पास ये है, यहाँ पर दोस्तों हम शॉर्ट मेथड से करने वाले हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे कोट को टेन में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है टेन थीटा और बटे में हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास एक माइनस, यहाँ हम LHS को सोल्व कर रहे हैं, LHS हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कोट थीटा को हम लिख सकते हैं एक बटे टेन थीटा, तो यहाँ पर हमने रख दिया एक बटे टेन थीटा। और यहाँ पर दोस्तों है प्लस का चिन्ह, इसके बाद में है कोट थीटे बटे एक माइनस टेन थीटे, तो यहाँ पर कोट थीटा को हम किस में बदलेंगे टेन में, तो एक बटे टेन थीटा हो जाएगा कोट का मान, और बटे में है एक माइनस टेन थीटे। अब यहाँ पर दोस्तों इसे हम सोल्व कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर है टेन थीटे और बटे में यहाँ पर है एक माइनस एक बटे टेन थीटे, तो टेन थीटे का गुणा हम एक से कराएंगे क्या हो जाएगा टेन थीटे, तो इसके बटे में क्या आ जाएगा टेन थीटे माइनस एक और बटे में हो जाएगा टेन थीटे। यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर हम रख देंगे एक बटे टेन थीटे, बटे में हो जाएगा एक माइनस टेन थीटे। अब यहाँ पर देखिए इसे हम सोल्व करेंगे तो ये किस प्रकार से सोल्व होगा, यहाँ पर दोस्तों टेन थीटे है और इस फ्रैक्शन को जब हम गुणा में लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो नीचे जो टेन थीटा है ये इसके गुणा में आ जाएगा और बटे में यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटे माइनस वन, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और इसी प्रकार से हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बटे टेन थीटे बटे यहाँ पर एक माइनस टेन थीटा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एक यहाँ पर दोस्तों ऊपर रहेगा और टेन थीटा का गुणा एक माइनस टेन थीटे से हो जाएगा, तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा टेन थीटे और एक माइनस टेन थीटे। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए टेन थीटे माइनस एक है और यहाँ पर एक माइनस टेन थीटे है, तो जब हम इनके एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर दिक्कत होने वाली है, तो यहाँ हम क्या करेंगे इसका चिन्ह चेंज कर देंगे, और यहाँ पर चिन्ह हम चेंज करेंगे तो इनके चिन्ह भी चेंज होंगे, तो एक है जो माइनस का हो जाएगा और टेन थीटा है वो प्लस का हो जाएगा, तो इसे हम आगे लिख देंगे और यहाँ पर जो एक होगा वो इसके आगे रखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा टेन थीटे गुणे टेन थीटे हो गया यहाँ पर टेन स्क्वेयर थीटे, बटे में है यहाँ पर दोस्तों टेन थीटे माइनस एक, और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर प्लस का चिन्ह था तो इसे हमें माइनस में बदलना है, तो यहाँ पर भी चिन्ह चेंज होंगे, तो टेन थीटा यहाँ पर है जैसा का जैसा रहेगा, यहाँ पर देखिए टेन थीटा माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर एक प्लस का है यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर दोस्तों इनके हमें एलसीएम लेने हैं, तो इसे हम यहाँ पर आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए टेन थीटे माइनस एक और टेन थीटे माइनस एक का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों इनका एलसीएम ये होगा क्योंकि इसमें दोनों का भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर देखिए टेन थीटे माइनस वन इसका एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम में हम क्या करते हैं जब सरल करते हैं तो भाग लगाते हैं, अब यहाँ पर टेन थीटे माइनस वन का भाग हम इसमें लगाएंगे तो इससे ये कटेगा केवल टेन थीटा बचेगा, टेन थीटा का गुणा ऊपर यहाँ पर देखिए टेन स्क्वेयर थीटा इससे कराएंगे,
तो यहाँ पर हो जाएगा टेन क्यूब थीटा, ठीक है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर देखिए इसका भाग हम इसमें लगाएंगे तो केवल एक बचेगा, तो यहाँ पर हम एक रखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए टेन का क्यूब है तो यहाँ पर हम एक का क्यूब भी कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों फिर से एक ही आएगा। यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और यहाँ पर ब्रेकेट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। यहाँ पर दोस्तों ए हमारे पास टेन थीटा है, बी हमारे पास क्या है एक है, तो इसमें हम मान रख देते हैं। यहाँ पर देखिए बटे के ऊपर का हम कर रहे हैं तो ए माइनस बी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन थीटे माइनस एक, क्योंकि ए हमारे पास टेन थीटा है, बी हमारे पास एक है, और यहाँ पर ए का स्क्वेयर यानी कि टेन का स्क्वेयर, और यहाँ पर दोस्तों बी का स्क्वेयर यानी कि ए का स्क्वेयर, और यहाँ पर ए बी है, तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा हमारा ए है गुणा यहाँ पर बी हमारा ए है, ठीक है। बटे में यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमें दिया गया है टेन थीटा, यहाँ पर ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस वन। अब यहाँ पर देखिए ये इसके गुणा में है, ये भी इसके गुणा में है, तो टेन थीटा माइनस वन है, टेन थीटा माइनस वन है तो ये कटेगा। अब देखिए ऊपर क्या बचा है, यहाँ पर बचा है दोस्तों टेन स्क्वेयर थीटा प्लस एक का स्क्वेयर एक हो जाएगा, और इसके बाद में प्लस टेन थीटा का गुणा एक से, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा, और बटे में यहाँ पर है दोस्तों टेन थीटा, कि यहाँ पर टेन थीटा माइनस वन इससे कट गया है। अब यहाँ पर देखिए इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसके बटे में टेन थीटा है, तो यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक पद के नीचे क्या है टेन थीटा है, तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे टेन स्क्वेयर थीटा, इसके बटे में भी टेन थीटा आएगा। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि ये एलसीएम लिया गया है, इसका हम विस्तारित रूप लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा एक बटे में है टेन थीटा, यहाँ पर हमने इनको अलग अलग कर दिया है, और यहाँ पर है दोस्तों टेन थीटा बटे क्या है टेन थीटा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, नीचे है टेन थीटा, ऊपर दो घात है तो एक घात कटेगी, देखिए टेन थीटा से टेन थीटा कटेगा, तो यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर दोस्तों केवल टेन थीटा बचा है, तो यहाँ हम टेन थीटा रखेंगे, एक बटे टेन थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो यहाँ पर हम कोट थीटा रखेंगे, टेन थीटा में टेन थीटा का भाग जाएगा एक बार, तो यहाँ पर एक आएगा। पर दोस्तों इसे हम सही रूप में लिख लेते हैं, तो किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए पहले हम लिखते हैं एक को, ठीक है, इसके बाद में हम लिख देते हैं टेन थीटा को, इसके बाद में हम लिख देते हैं कोट थीटा को। तो यहाँ पर दोस्तों जब हमने एलएचएस को सोल्व किया तो हमारे पास ये आ रहा है, और यही हमारा देखिए आरएचएस है, यही हमें सिद्ध करना था एक प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, और हमारे पास क्या आया है एक प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो इस प्रकार से दोस्तों एलएचएस बराबर हो रहा है आरएचएस के, तो ये सिद्ध हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने 14वें क्वेश्चन से 17वें क्वेश्चन तक क्वेश्चन सोल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।